पालकी में विराजमान पावन ग्रंथ के असंत महात्माओं की पावन निशानियों को
क्यों चल रही है जा रही है, मैं नहीं घर से बैठ सकता, सारे पांव तो छपड़े कर आराम कर सकते, साडा चलना का एक मकसद है कि भाई उन्होंने भलाओ ना हो जिन्होंने सानू कुर्बानियां करके जोड़ के रखे है आज निजी स्वार्थ वास्ते छोटा छोटा जोड़ता वास्ते अति उस सारी चीजों को चले चुके आज लड़ना वास्ते ਵੀਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇ ਵੀਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰਾ ਦੇ ਰਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਨਾ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾ ਤੁਮਾ ਸਮਝਾਇਆ ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਫ਼ਰ ਲੜੋ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧਾਮ ਮੀਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਸਰੂਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਗਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਜਦ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਅਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਚ ਰਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦ ਬ੍ਰਹਮੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ
महाराज धर्मतों की पहला लव कुश का जन्म होया सब नु पता है पर मैं एक बार कहना चाहना जी भाई भरावान का प्यार हो किस तरह का हो राम के लक्ष्मण जैसा इस तरह परिवार इकट्ठे रह सब की कृपा बनी रहे आशीर्वाद करो जी का स्नेहा आ गया भाई जंगल का समा हो गया सारिया संतान जय गुरुदेव वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
सर्वमही। ऐसे ही संत रामा जी, संत रामानाथ जी महाराज, जिन्होंने अलग अलग जाति समाज से 12 ऐसे शिष्य तैयार किए और जिनको भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, फैली हुई थी, उनको दूर करने के लिए उनको तैयार किया और उन भक्तों को द्वादश भगत का नाम भी दिया। और उन्होंने देश के हर क्षेत्र में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी पीठ स्थापित किए और भक्ति आंदोलन के माध्यम से उस समय के अक्रांताओं के आवाज और भारत को अपनी मूल परंपरा के साथ जोड़े रखा। और इसी तरह गुरु अर्जन देव जी महाराज महाराज, कबीर जी महाराज, नामादास जी महाराज, धर्माचार्य सतगुरु श्री चंद जी महाराज भाई के तक माला अर्पण कर स्वागत करेंगे। मैं
करूंगा। सबसे पहले व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री किशन जी दुग्गल जी से कि आप आए और प्रथम पंक्ति में हमारे गौरव जी जो बैठे हैं आपका हमारे स्वागत करें। बोलिए संत रविदास जी महाराज की और मीरा भाई की। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री मोहनलाल जी शर्मा जी से कि आप आए और संत जी का माल्य अर्पण कर स्वागत करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की भारत माता की। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमती शिमला जी गावे जी आप आए और माल्य अर्पण कर स्वागत करें। बोलिए मीरा भाई जी की। अगली कड़ी में निवेदन करूंगा हरनेक सिंह जी प्रेर जी का कि आप आए और संत श्री जी का माल्य अर्पण कर स्वागत करें। निवेदन रहेगा अगली कड़ी में अनूप जी आप रहिए आप आए और संत श्री आदि के चरण बरसाना की भूमि पर पड़े हैं। बरसाना की भूमि से पवित्र हुई है एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की। इसी कड़ी में मेरे निवेदन करूंगा श्री मोटरदास जी नायक सरपंच ग्राम पंचायत 24 आप आए और संत श्री जी का माल्य अर्पण कर स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा प्रियंका जी बेरा चेयरमैन अनूपगढ़ आप आए। निवेदन करूंगा कृष्ण जी शर्मा माननीय संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप आए और संत श्री का माल्य अर्पण कर स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। निवेदन करूंगा आगे कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित जगदीश सिंह जाकर
देखो कहां से कहां तक उस समय तो भाषा का भी जो आपस में हमारा भेद था ना, लेकिन भाषाओं के भेद को तोड़ते हैं, भाषाओं के भेद को तोड़ते हुए एक प्रेम का संदेश लेकर के देखो कहां से कहां तक यात्रा करते हैं। बात सिर्फ भाषा के भेद की नहीं है, बात जो है आज जो सबसे बड़ा कोहर जो जहर है जाति पार्टी ऊंच नीच इसका भी। मेरा भाई ने ये नहीं विचार किया कि वह रविदास जी को स्वीकार कर रहे हैं, पर रविदास जी ने भी नहीं उन्होंने अपनाया। ये यात्रा जिस संदेश को लेकर चल रही है वो संदेश है वाल्मीकि जी महाराज, वो संदेश जगत गुरु नानक देव जी महाराज जी का, बाबा श्रीचंद जी का, यही संदेश गुरु अर्जुन देव जी महाराज का, यही संदेश भगत जयदेव जी का, भगत परमानंद जी का, भगत वैनी जी महाराज का, यही संदेश श्रीचंद जी महाराज का, यही संदेश भाई जैता जी का है, और यही संदेश दशों गुरुओं का है। और वो संदेश पता क्या है? वो संदेश है जो गूंगा भी समझता है, ये वो संदेश है जो हिंदी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, मद्रासी बोलने वाला, तमिल बोलने वाला, दुनिया की कोई भाषा बोलने वाला समझ सकता है, ये वो संदेश है। अब बताओ कौन सा संदेश हो सकता है? तिलक लगाना चाहिए मस्तक पे, क्या ये संदेश हो सकता है? क्या दाढ़ी बनानी, पगड़ी बनानी चाहिए, ये संदेश हो सकता है? क्या जाली वाली टोपी पहन के घूमना, ये संदेश हो सकता है? सभी के कॉमन, सभी का सिमिलर, सभी का साझा एक संदेश है, वो क्या हो सकता है? जवाब आपके पास है, क्या हो सकता है? क्योंकि जब आपके भीतर से किसी सवाल का जवाब प्रकट होता है वो स्थाई होता है। हम आपको बार बार जो बात कहते रहे परिवर्तन नहीं होता। आप भीतर से बताइए, जिस लैंग्वेज को एक बहरा भी समझ जाता है, एक जानवर भी समझ जाता है, एक गली का कुत्ता है ना वो भी उस भाषा को समझ लेता है, बताइए वो क्या है? मेरे विचार से जब इतने आसानी से आपने इस बात को कह दिया तो लगता है कि ये जो यात्रा पिछले साल और इस साल में थी ये सार्थक है। अब हो सकता है इसमें से कुछ एक हो थ्योरी तकसीम में, थ्योरी माने जो हम करनी और कथनी होती है, एक होती है कहनी और एक होती है प्रैक्टिकल, कहना और करना दो बातें होती है ना। प्रेम कह देना एक बात है और प्रेम करना, जिन प्रेम की ओर ते नहीं रहो पाओ। और प्रेम तभी हो सकता है जब जाति पाति ऊंच नीच के बंधन से आप ऊपर उठते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी आवाज लगाते हैं तो पटना बिहार कर्नाटक किसी भी प्रांत का व्यक्ति आ जाता है, ये प्रेम है, ये प्रेम है। क्या हमें है कि हम आवाज लगाएं और हमारे लिए सभी आ जाए, अरे शत्रु जी इसकी तो भाषा हो रही है, अरे शत्रु जी इसका तो प्रांत हो रहा है, लेकिन पांच प्यारों ने नहीं सोचा गुरु को पंजाब के पीछे क्यों जाए, ये प्रेम है। तो भारत की अखंडता के लिए ऐसा प्रेम होना चाहिए, भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी मत मतांतर संप्रदाय हैं, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। देखिए पूजा की विधियां अलग हो सकती हैं, पूजा करने की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, मैं उस सुप्रीम की, उस डिवाइन की, उस एनर्जी की बात कर रहा हूं जो दुनिया की 7,000 भाषाएं समझ लेता और दुनिया के 1500 धर्म उसी की उपासना कर रहे हैं अपने अपने तरीके, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार। अब एक घर है, एक घर में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 10 भाई भी हैं, मान लो हर एक का टेस्ट अलग हो सकता है, हर एक का स्वाद अलग हो सकता है, लेकिन भाई पे जब संकट आए भाई उसके लिए खड़ा रहता है।
उसे दर्द होता है, ये प्रेम है, ये प्रेम है, दैट इज द लव। अब मान लीजिए हम अपनी बात बता रहे हैं, अब हमारे और हमारे छोटे भाई के विचार है बिल्कुल ही बिल्कुल, हम जो है भारत छोड़ के जाना नहीं चाहते और वो भारत में वापस आना नहीं चाहते। आज 8 साल हो गए टैटू वैटू बनवा के, पूरी अलग तरह की लाइफ, और हम हैं कि इस भगवे में रह चुके हैं। लेकिन कभी हमें कोई परेशानी आती है, संकट आती है, तो सबसे पहले कौन आता है? कोई जरूरत है बताओ, ऐसा सुना वैसा सुना, ऐसी ब्रदरहुड, ऐसा का भाईचारा, ऐसा भाईचारा जो हमें तैयार करना हो। और ऐसा भाईचारा जो है कैसे तैयार हो सकता है? अब इसका भी जवाब हम नहीं देंगे, आप सभी को पता है, कुछ अलग करके दिखाना होगा। जो एक बाउंड्री बना दी गई है, मानसिक बंधन हमारे लिए बना दिया गया है, उससे हटकर अपने रीति रिवाज रिचुअल जैसे भी आप करते हैं करिए, लेकिन दूसरे के लिए एक बात समझ लीजिए कि हमने वो भारतवासी मतलब सोच को बड़ा कीजिए, स्वार्थी बनिए, गुरु नानक देव जी जैसे स्वार्थी बनो, भगवान राम जी जैसे स्वार्थी बनो आप हो ना, हम बड़े छोटे लेवल के घटिया लेवल के स्वार्थी हैं, लेकिन गुरुजन बहुत बड़े लेवल के स्वार्थी हैं। उनका लेवल था कैसा था? हम सोचते हैं घर तक बस किसी को पीछे करके खुद आगे हो जाए, वो तो जो तो पड़ोसी है, वो तो अदर कम्युनिटी है, अदर जाति है, दूसरी स्टेट है, ऐसा ऐसा सोचकर ज्यादा से ज्यादा कोई औहदा मिल जाएगा, प्रधान बन जाएगा, गली का सोच लेगा, है ना, कि ये तो मेरी गली है, इसका मैंने सोचना है, थोड़ा स्वार्थ और बढ़ जाएगा, अपनी स्टेट का सोचना है, स्टेट का राजा बन गया, मेरी स्टेट, मैं मेरी स्टेट, बस इतनी कम्युनिटी, इसका भला हो जाएगा। क्या बाकी जो स्टेट वाले हैं वो राम के बच्चे नहीं है? क्या वो गुरु नानक देव जी के बच्चे नहीं है? क्या वो संत वाल्मीकि जी महाराज के बच्चे नहीं है? हमारा स्वार्थ कुछ और बड़ा हो गया, देश तक जाएगा, लेकिन कैसा स्वार्थ चाहिए? इतना कि सारे मेरे हैं, अव्वल है अल्लाह नूर को पाया, कुदरत के सब बने, एक नूर ते सब जग को भुलिया, कौन बने कौन मने। और इस संदेश को आपने आने वाली पीढ़ी में बीज के रूप में बोना है, क्योंकि तो विचार ही है, समय हो चुका है कि एक मिनट होगा, एक विचार ही है जो परिवर्तन कर देते हैं। कार्ल मार्क्स एक विचार है, गांधी जी की विचारधारा एक विचार है, किसी भी संत की विचारधारा जब शुरुआत होती है 5 प्यारों से हुई थी, आज वो विचारधारा कितना बड़ा रूप ले चुकी है। ठीक ऐसे आपने राष्ट्र की अखंडता और एकजुटता के लिए इन विचारों का जो है प्रभाव करना है, और उसी के लिए ये मीरा चले सदगुरु के धाम ये यात्रा है, और मीरा जी का संदेश यही है, जिन प्रेम की होती नहीं प्रकट करो। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, मीरा के श्याम की जय हो, मीरा के भगवान की जय हो, मीरा के सतगुरुदेव महाराज की जय हो, मीरा के गुरुदेव की जय हो, वाल्मीकि महाराज की जय हो, सतगुरु नानक देव जी महाराज की जय हो, महाराज की, हिंद की चादर की, कबीर जी महाराज की, सतगुरु रामदास जी महाराज की, नंदा जाट की, बाबा श्री चंद जी महाराज की, भाई जगता जी की, भगत जयदेव जी की, भगत परमानंद जी की, भगत बेड़ी जी महाराज की, भगत पीपा जी की, दसों गुरुओं की, भक्त और भगवान की। स्वागत के धन्यवाद।
शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा व्यवहार मंडल अध्यक्ष श्री किशन जी दुग्गल जी से कि आज के इस आयोजन में आप जी के द्वारा इस बोल और चाय नाश्ते की जो व्यवस्था निःशुल्क की गई है एक बार जोरदार तालियां का स्वागत है। मेरा गली संतपुर के धाम ये यात्रा को लेके जो हमारे संत महापुरुष आज गढ़साना में इस मंच पर विराजमान है, मैं पूरे गढ़साना की तरफ से सर्व समाज की तरफ से सभी संतों के चरणों में नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सभी भक्तजनों का जो सुबह से लेकर अब तक इस यात्रा को सफल बनाने में तन मन धन से जुटे हुए हैं। मैं सभी भक्तजनों से संतजनों से निवेदन करता हूँ कि जब संत जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते